बहुत समय पहले की बात है कि एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। वह फिर किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उनकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो उसे परेशान करता है, उसकी बात नहीं मानता है, उसे सम्मान नहीं देता है। उसका पारा उसकी पत्नी पर भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उसका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपके इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में वह उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इससे भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने एक बार फिर समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इससे भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊँचे आवाज से बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया है। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में त्रासदी समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो कोई दूसरा आ जाएगा। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन आप अपने 84 में को हल कर दिया तो आपके बाकी 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। किसान ने विनय होते हुए कहा, कृपया मेरे 84 में समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपके 84 में समस्याओं को पहचानना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताएं मेरी 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या ये है कि आप जीवन में कोई भी समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्या ना हो, लेकिन ये संभव नहीं है। समस्या हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के जीवन जीना स्वीकार कर लेंगे, तब कोई समस्या नहीं होगी। यह खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है।